सब्सक्राइब कीजिए गौरव मॉडिफिकेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशंस लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बाइक रिपेयरिंग की। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव मॉडिफिकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा बाइक रिपेयरिंग से रिलेटेड। और बाइक रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को। सो माय फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों से अपनी इस फेवरेट बाइक के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है रॉयल इनफील्ड 350 सीसी। न्यू मॉडल क्लासिक आता है उसमें, एक नया मॉडल डबल सीट का आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो माय फ्रेंड्स, उसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि सर्विस में हमारे को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है और हमारे को कितने किलोमीटर पर सर्विस करानी होती है उस बाइक की, और हमारे को कौन कौन से पार्ट्स का उसमें यूज करना होता है माय फ्रेंड्स, और इसी इसके अंतर्गत हमारे को उसके अंदर कौन से कंपनी का ऑयल डालना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो माय फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग अबाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर रॉयल इनफील्ड 350 सीसी ओल्ड मॉडल क्लासिक का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं खुद भी काम कर रहा हूँ उस बाइक का, लेकिन काफ़ी कस्टमर्स को मैं बता बता कर थक चुका हूँ कि इस बाइक में इतना ऑयल डलता है, इस बाइक में ये ऑयल डलता है, ओरिजिनल ये डालना पड़ता है, ये तो सभी कस्टमर्स को बताने से अच्छा मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बना दी जाए 350 सीसी की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सो माय फ्रेंड्स, इसी प्रकार की बाइक रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। पहले माय फ्रेंड्स, किलोमीटर की बात करें तो रॉयल इनफील्ड 350 सीसी के 3000 किलोमीटर पर बाइक की सर्विस होती है माय फ्रेंड्स, और उसके बाद में इंजन ऑयल। फ्रेंड्स, इंजन ऑयल की अगर हम बात करें तो रॉयल इनफील्ड का इंजन ऑयल आता है स्पेशल, उसका 350 सीसी का इंजन ऑयल अलग से आता है सिंथेटिक करके। बुलेट का 15W40 नंबर का ऑयल आता है माय फ्रेंड्स, और उसके अंदर एक हमें सर्विस के टाइम पर ऑयल फिल्टर को भी चेंज करना होता है माय फ्रेंड्स, और ऑयल फिल्टर चेंज करने के बाद हमारे को उसके एयर फिल्टर को भी या तो आप चेंज करो, 8000 अगर किलोमीटर रन कर गई है गाड़ी तो आप लोग उसको भी चेंज करो। सो माय फ्रेंड्स, वो एयर फिल्टर भी हमारे को नया डालना होता है। पेपरल फिल्टर उसमें आता है, राउंडेबल फिल्टर आता है, साइड की जो डिक्की आती है उसके अंदर हमारे को फिल्टर देखने को मिल जाता है, और उसके बाद में हमारे को ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, ब्रेक लेदर्स, अन्यथा जो भी उसके अंदर सामान डलता है वो सारा का सारा हमारे को ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड कंपनी का डालना होता है माय फ्रेंड्स, और ये सारा सामान हमारे को मिलेगा तो क्या तो हमारे को बड़ी स्पेयर पार्ट्स की शॉप में मिलेगा, या फिर हमारे को मिलेगा ये रॉयल इनफील्ड के शोरूम के अंदर। शोरूम से भी जाकर हम लोग जाकर परचेस कर सकते हैं, और बाहर जो भी मैकेनिक हमारे को पसंद है वहाँ जाकर हम सर्विस करा सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे को यूज़ करने होते हैं। एक तो ऑयल फिल्टर मैंने बता दिया आप लोगों को, एक ब्रेक लेदर, एक एयर फिल्टर, एक इंजन ऑयल 15W40 नंबर का। सो माय फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को मैं इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। गौरव मॉडिफिकेशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना माय फ्रेंड्स। थैंक यू। Let's go.